जितनी बड़ी खोज होती है वह उतने ही बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब प्राचीन काल में लोग लोहे से परिचित हुए, और जैसे जैसे लोहे को लेकर लोगों के बीच ज्ञान बढ़ा वैसे वैसे ही ऋग्वैदिक काल के ताने बाने बिखरने लगे। गंगा के मैदानों को साफ कर दिया गया, युद्ध अब क्षेत्र के लिए लड़ा जाने लगा, राजा का पद अनुवांशिक हो गया, स्त्रियां और समाज के निचले वर्गों की दशा बद से बदतर हो गई। अधिकतर विद्वान इसके पीछे का कारण लोहे को मानते हैं, क्योंकि इससे परिचित होने के बाद व्यापक तौर पर अस्त्र शस्त्र एवं कृषि उपकरणों का निर्माण हुआ, इसलिए विद्वान इसे लौह युग के रूप में वर्णित करते हैं। इतिहास में यह युग पाषाण युग तथा कांस्य युग के बाद का माना जाता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस और कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, और अतरंजी खेड़ा में कृषि से संबंधित लौह उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आलमगीरपुर, अल्लाहपुर, नेह, रोपड़, हस्तिनापुर, श्रावस्ती आदि से भी लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।